सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी जो हूँ मैं हूँ गांधी मैदान की गेट पे, देख सकते हैं गेट खुला हुआ है। पहले ये बड़ा गेट खुला हुआ रहता था, जब से कोविड आया तब से छोटा गेट ही खुल रहा है। 2 साल हो गए लगभग ये बड़ा गेट बंद हुए। तो ये ऐसी जगह है जहाँ से आपको सत्याग्रह शुरू हुआ था, जहाँ गांधी जी 1917 में आए थे, तो यहीं से चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। काफ़ी बढ़िया फील्ड है, काफ़ी बड़ी स्पेस है इसमें, तो आप देख सकते हैं। जो मॉर्निंग में है इसमें काफ़ी लोग वॉकिंग करने आते हैं, कोई आर्मी वर्मी की तैयारी करता है, SSB डिफेंस लाइन में जितने भी लोग हैं तो इस फील्ड में आकर के तैयारी करते हैं। बहुत मस्त फील्ड है। तो कभी आप आए मोतिहारी घूमने के लिए तो आप गांधी मैदान ज़रूर पधारें। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो गांधी मैदान जो है बाल उद्यान की जो बना हुआ है, वहाँ पे उनकी एक बड़ी सी मूर्ति बनाई गई है। तो वहाँ पे आपको थोड़ी देर मैं लेकर के चलने वाला हूँ। उससे पहले मैं खुद का एक्सरसाइज कर लेता हूँ, योगा कर लेता हूँ, उसके बाद वो सीन आपको दिखाएंगे। साइज योगा को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो है गांधी जी जब आए थे तो इन्हीं लोग से मिले हुए थे, ये है वो नज़ारा। तो यही है जब गांधी जी आए थे चंपारण में, तो उस समय तीन कठिया का प्रोसेस चल रहा था। हमारे जो किसान भाइयों के जो उस समय जो है क्या तीन कठिया का चल रहा था, जिसमें तीन कठे में एक कठे नील की खेती करनी है और वो नील की खेती कर करके अंग्रेज़ों को दे देनी है। तो यहाँ पे किसानों की जो है बहुत बड़ी समस्या चल रही थी, तो गांधी जी यहाँ आए और मिल करके बहुत बड़ी समाधान किए। तो यहाँ से है जो चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था 1917 में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है किनसे मिले थे। तो यहाँ पे जो मुख्य लीडर थे वो थे राजकुमार शुक्ल, उन्हीं से मिल करके यहाँ का था सत्याग्रह आंदोलन। तो यहीं पे उन्हीं की याद में ये सारी मूर्तियाँ बैठाई गई है। और सबसे बड़ी मूर्ति जो बैठाई गई है वो बैठाई गई है ये, जिसने एक बहुत बड़ी गांधी जी की स्टैचू बैठाई गई है। बहुत बड़ी मूर्ति उनकी बैठाई गई है, स्मारक है जो आप देख सकते हैं। तो आप जब भी आप मोतिहारी में आए तो आप गांधी मैदान आकर आना ना भूलें, क्योंकि यहीं से है जो चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। तो वो ये धरती है जिसने देश के लिए बहुत बड़ी योगदान दे चुकी है, देश को आज़ादी में बहुत बड़ी योगदान दी चंपारण। तो आई होप इस वीडियो में मैं इतना ही आपको कवर करने वाला हूँ चंपारण सत्याग्रह के बारे में। और मिलते हैं नए ब्लॉग्स के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। बाय।